संहिता की मूल भाषा इब्रानी में इस संग्रह का नाम है स्तुति गीतों की पुस्तक। यह आराधना की पुस्तक है और यूनानी भाषा में इसका जो शीर्षक है उसका अर्थ है संगीत वादों के साथ स्तुति गान। यह आराधना की पुस्तक है। यह संग्रह वास्तव में मंदिर के गीतों की पुस्तक है। इन भजनों के रचयिता अनेक हैं। इसराइल के मधुर भजनकार राजा दाऊद ने 73 भजन लिखे हैं। भजन उसके नाम से प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 4 उसके 25 में भी स्वीकार किया गया है। और इब्रानियों की पुस्तक का लेखक अध्याय 4 पद 7 में और भजन संहिता 95 को दाऊद का भजन कहता है। अति संभव है कि वह अनाथ प्रवृत्ति से संबंधित भजनों का भी रचयिता है, क्योंकि यह उसका अनुभव वरन उसकी प्रवृत्ति भी थी। उसने सब भजनों को मंदिर की आराधना के लिए स्व्यवस्थित किया था। भजनों के अन्य रचयिता हैं मूसा भजन 1, 90 सुलेमान भजन 2, कोरह के पुत्र 11 भजन, आसाब 12 भजन, हेमान 88 एक भजन, एतान एक भजन जो भजन संहिता 89 है, हिजकिया 10 भजन, विलगाव के भजन 39 और कुछ का रचयिता संभवतः दाऊद था। इस प्रकार कुल भजनों की संख्या 150 है। मसीहा इन भजनों का मुख्य विषय है। राजा और राज्य भजनों के मुख्य गीत हैं। भजनों में मुख्य शब्द है हल्लेलुया अर्थात यह की स्तुति करो। आज यह शब्द विश्वासियों की एक धार्मिक शब्दावली बन गया है, परंतु यह एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा आत्मा में भावनाओं को उफन पड़ना चाहिए। हल्लेलुया यह की स्तुति करो। मेरे विचार में भजन 50 और 150 मुख्य भजन है। भजन 50 जो आसाब का भजन है अन्य किसी भी भजन से अधिक प्रबल है। भजन 150 हल्लेलुया गान है, क्योंकि उसके मात्र 6 पदों में 13 बार हल्लेलुया कहा गया है। यह भजन संग्रह का अंतिम भजन है और इस कारण इसे अन्य सब भजनों का अंतरा भी कह सकते हैं। मेरे मित्रों, भजनों में गहरी भक्ति और अगाध भावनाएं, उच्च मनोवेग और घोर निराशा व्यक्त है। वे मानवीय आत्मा के प्रत्येक दोष को दिखाते हैं, विचार व्यक्त करते हैं। स्पष्ट कहूं तो मैं इस अद्भुत पुस्तक को पढ़ते समय भाव विभोर हो जाता हूं। यह परमेश्वर के वचन का केंद्र भाग है। भजन 119 परमेश्वर के वचन के ठीक केंद्र में रखा गया है और परमेश्वर के वचन का मान बढ़ाता है। जी हाँ, इस पुस्तक ने युगों से मनुष्यों के मन को धन्य किया है। जब मैं घर में या अस्पताल में या किसी स्थान पर भी होता हूँ, जब कोई समस्या मेरे मन मस्तिष्क पर अत्यधिक बोझ डालती है, तब मैं स्वतः ही भजनों का सहारा लेने लगता हूँ। वे मेरे मन और जीवन को धन्य बना देते हैं। प्रकट है कि युगों से ही ऐसा होता आ रहा है। कलीसिया के एक महान संत एमरोज ने कहा, भजन कलीसिया की वाणी है। संत अगस्तीन ने कहा, वे संपूर्ण धर्मशास्त्र के शिखर हैं। मार्टिन लूथर ने भी कहा, वे सब संतों की पुस्तिका हैं। जॉन कॉल्विन ने कहा, वे आत्मा के एक एक भाग का विश्लेषण है। मुझे यह अच्छा लगा। मेरे मित्र, किसी ने कहा कि मनुष्य को 126 मनोवैज्ञानिक अनुभव होते हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने यह कैसे पता लगाया, परंतु मैं यह अवश्य जानता हूं कि वे सब भजनों में पाए गए हैं। यही एक ऐसा पुस्तक है जिसमें मनुष्य का प्रत्येक अनुभव व्यक्त है। भजन मनोवैज्ञानिक सरगम बजाते हैं। प्रत्येक विचार, प्रत्येक मनोवेग इस पुस्तक में निहित है। यही कारण है कि भजन हमारे मन को स्पर्श करते हैं और हम जब भी उन्हें पढ़ें, वे एक प्रतिक्रिया उत्प्रेरित करते हैं। हुकर ने भजनों के विषय में कहा, अन्य सब पुस्तकों में लाभ की बातें शीर्ष हैं। डॉन ने इस प्रकार कहा, भजन भविष्यवाणी करते हैं कि मैं या कोई भी क्या करेगा, कैसा कष्ट उठाएगा और क्या कहेगा। हर ने भजनों को हर समय की स्तुति गान पुस्तक कहा है। वाट ने कहा, वे कलीसिया की सहस्रवाणी मन है। भजनों के लिए परमेश्वर के जनों के मन में जो स्थान है वह उनकी सार्वभौमिकता की गवाही देते हैं। चाहे उनमें यहूदी संदर्भ की मुख्यता हो,
वे सब पीढ़ियों के विश्वासी मनों की गहरी मन भावनाओं का प्रतीक है। भजन मसीह के विचार से परिपूर्ण है। भजनों में सुसमाचार वृत्तांतों की तुलना में कहीं अधिक मसीह का चित्रण है। सुसमाचार वृत्तांतों में लिखा है कि यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने गया था, परंतु भजनों में उसकी प्रार्थना दी गई है। सुसमाचार वृत्तांतों में मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने का उल्लेख है, परंतु भजन हमें बताते हैं कि क्रूस पर उसकी मनोदशा क्या थी। सुसमाचार वृत्तांतों में उसके स्वर्गरोहण की चर्चा है, परंतु भजनों में उससे आगे की चर्चा है जो हमें मसीह को स्वर्ग में आसीन दर्शाते हैं। इस संपूर्ण पुस्तक में मसीह मुख्य चरित्र है। आपको स्मरण होगा कि मसीह यीशु ने पुनरुत्थान के पश्चात अपने अनुयायियों को दर्शन देकर कहा था, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 44 पद में, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो। ध्यान दीजिए, मसीह भजनों का विषय है। मेरे विचार में वह प्रत्येक भजन में स्तुति का विषय है। मैं प्रत्येक भजन में तो उसे स्पष्ट दिखा नहीं पाऊंगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रत्येक भजन में उपस्थित नहीं है। इसका अर्थ यही है कि मनुष्य की समझ सीमित है। यद्यपि सब भजनों में मसीह स्तुति का विषय है, कुछ को विशेष रूप से मसीह से संबंधित भजन कहा गया है, क्योंकि उनमें मसीह का जन्म, जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान, महिमा, याजक वृत्ति, राज और पुनः आगमन व्यक्त हैं। मसीह से संबंधित भजन संख्या में 16 हैं, परंतु जैसा मैं कह चुका हूं कि पूरे 150 भजनों में मसीह की चर्चा है। भजन संग्रह अर्थात स्तुति गान तो है ही, साथ में उसकी पुस्तक भी है। वह उसी के बारे में है। भजनों के अध्ययन में यह सत्य स्पष्ट हो जाएगा। और भी अधिक सीमित अर्थ में कहें तो भजन इसराइल के मसीह की चर्चा करते हैं और मसीह के इसराइल की चर्चा करते हैं। दोनों विषय मनुष्य के विद्रोह से संबंधित हैं। जब तक मसीह और इसराइल एक ना हो जाए, तब तक इस पृथ्वी को आशीषें प्राप्त नहीं होंगी। भजन आशा और अपेक्षाओं में यहूदी आस्था प्रकट करते हैं। वे मंदिर की आराधना के भजन थे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उनका आज हमारे लिए आत्मिक अर्थ और व्यवहारिकता नहीं है। निश्चय ही उनमें आज के लिए व्यवहारिकता है। मैं संभवतः परमेश्वर के वचन में अन्य किसी पुस्तक से अधिक उनका सहारा लेता हूँ, परंतु हमें भजनों के अर्थानुवाद में अधिक शुद्धता की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भजनों में परमेश्वर को पिता नहीं कहा गया है। इसमें पवित्र जनों को पुत्र नहीं कहा गया है। भजनों में परमेश्वर परमेश्वर पिता है, न कि पिता परमेश्वर। भजनों में पवित्र आत्मा की चिरस्थायी उपस्थिति और नए नियम की धन्य आशा नहीं है। इसे पहचानने की चूक के कारण अनेक जन भजन 2 के अर्थानुवाद में भटक जाते हैं। इस भजन में कलीसिया का उठाया जाना नहीं, इस पृथ्वी पर यीशु द्वारा फिर आकर यरूशलेम में राज्य करके अपने राज्य की स्थापना का संदर्भ है। शाप देने के भजनों ने अत्यधिक आलोचना को उत्पन्न किया है, क्योंकि उसमें प्रतिकार और दंड के लिए प्रार्थना की गई है। ये भजन युद्ध काल के हैं और व्यवस्था के अधीन रहने वालों के द्वारा पृथ्वी पर न्याय और शांति की आशा में लिखे गए हैं। मेरे मित्रों, अधर्म और विद्रोह का अंत किए बिना आप शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अंततः परमेश्वर यही करेगा और वह इसके लिए खेदित नहीं होगा। वह अपने ही नियत समय में इस पृथ्वी का न्याय करेगा। नए नियम में मसीह के विश्वासी को अपने वैरी से प्रेम करने का आदेश दिया गया है, और भजनों में वैरियों के विरुद्ध कठोर वचन सुनकर आपको आश्चर्य होगा, परंतु दंड का उद्देश्य इस पृथ्वी पर न्याय स्थापित करना है। कुछ भजनों में ख्रिस्त विरोधी अर्थात मसीही विरोधी की पृथ्वी पर प्रभुता का भी उल्लेख है। हमारे पास कोई तार्किक आधार नहीं जिसके अनुसार हम मनुष्य को ऐसी परिस्थिति में काम करने या प्रार्थना करने के निर्देश दें। भजनों के अन्य रूप हैं।
पश्चाताप के भजन, इतिहास की गाथा, प्रकृति का वर्णन, तीर्थयात्री का भजन, स्तुति के भजन और सेवा के भजन, पवित्रता के भजन, परमेश्वर के वचन की सराहना आदि के भजन। मेरे मित्रों, हम इस अध्ययन में सोना और हीरे खोदेंगे। भजनों का यह संग्रह अव्यवस्थित रूप में नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि भजनों का यह संग्रह ऐसा है जैसे कि सब भजनों को एक बाल्टी में डालकर हिला दिया गया है और क्रमवार सजा दिया गया है। यह ध्यान देने योग्य एक रोचक बात है कि एक भजन सिद्धांत व्यक्त करता है और उसके बाद अनेक भजन उसकी व्याख्या करते हैं। भजन संहिता 1-8 इसका उदाहरण है। भजनों का संग्रह एक विशेष विन्यास में है और सच तो यह है कि वर्षों से यह देखा गया है कि भजनों का संग्रह मूसा के पंच ग्रंथ, जिसे हम पंचतंत्र भी कहते हैं, पंच ग्रंथ के अनुरूप व्यवस्थित किया गया है और उसकी समानता में है। आप इसकी रूपरेखा में उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण को देखेंगे जो पंच ग्रंथ या पंचतंत्र हैं। भजन संग्रह और पंच ग्रंथ की समानता सहज प्रकट है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति में आप सिद्ध पुरुष को धन्य अवस्था में देखेंगे जैसा कि पहले भजन में व्यक्त है। इसके बाद उसी मनुष्य का पतन और उद्धार है। भजन संहिता 2 में मनुष्य का विद्रोह प्रकट है। भजन 3 में सिद्ध मनुष्य का त्याग किया गया है। भजन 4 में हम स्त्री के वंश और सर्प के परस्पर विरोध को देखते हैं। भजन 5 में सिद्ध पुरुष अपने वैरियों से घिरा हुआ है। भजन 6 में सिद्ध मनुष्य एड़ी में डसे जाने के कारण प्रताड़ित है। भजन में हम सिद्ध पुरुष को झूठे गवाहों से घिरा हुआ पाते हैं। अंत में भजन 8 में हम मनुष्य का उद्धार सिर के कुचले जाने से देखते हैं। भजन 9-15 में हम बैरी और मसीही विरोधी का संघर्ष और अंत में मुक्ति को देखते हैं। भजन 16-41 में हम मसीह को उसके विश्वासियों के मध्य उन्हें परमेश्वर के लिए शुद्ध करता हुआ देखते हैं। भजनों के अध्ययन में हम यह सब कुछ देखेंगे। चार्ल्स वर्जन ने कहा, भजनों का संग्रह हमें पंखों और वचनों के उपयोग का निर्देश देता है। वह हमें सवारी और गीत प्रदान करता है। यह संग्रह आपको आकाश का पक्षी बनाता है, तो कोई साधारण चिड़िया नहीं। इस संग्रह को शिखर और आत्मा की अनुरूपता प्रदान करता है। इसे धर्मशास्त्रों की वाटिका भी कहा गया है, जो नियम में पुराने नियम के 219 संदर्भों में से 116 संदर्भ भजनों के ही हैं। आप 150 आत्मिक गीत देखते हैं जो निस्संदेह कभी संगीत से संवारे गए थे। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे हमारे मन में गीत को उत्पन्न करना आवश्यक है। तो मित्रों, आइए हम भजन संहिता 1 को देखेंगे। विषय 2 मनुष्य, 2 मार्ग, 2 गंतव्य है। यह भजन उत्पत्ति का अध्याय आरंभ करता है। यह भौतिक संसार की अपेक्षा मनुष्य से आरंभ होता है। यह भजन एक धन्य पुरुष या आनंदित पुरुष के बारे में कहता है। इसमें धन्य पुरुष की तुलना एक अधर्मी पुरुष से की गई है। यह मसीह अंतिम आदम का चित्रण है। वह अधर्मी पापियों और ठट्ठा करने वालों के मध्य खड़ा है। हम कभी कभी प्रभु को एक दुखी मनुष्य मानते हैं जो विषाद से घिरा हुआ है और किसी विचित्र कारण से उसके कुछ चित्रों में एक दुखी मनुष्य दर्शाया गया है। यह सच है कि यशाया उसे दुखी मनुष्य कहता है, परंतु आप आगे क्यों नहीं पढ़ते हैं? यशाया में ही आप देखेंगे कि उसके अपने दुख और दर्द नहीं थे। यशाया के पुस्तक 53 अध्याय के 4 पद में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वे हमारे दुख थे, उसके नहीं जिन्हें वह उठा रहा था। वह तो एक आनंदित मसीह था। जी हाँ, यही उसका चित्र है। आइए अब हम भजन संहिता 1 उसके 1 अध्याय में आते हैं और हम देखेंगे धन्य पुरुष का व्यवहार। भजन संहिता 1 उसके 1 में लिखा हुआ है,
क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इस पद में एक धन्य पुरुष का व्यवहार व्यक्त है। इसी भजन में हम आगे चलकर उस धन्य पुरुष का बल देखेंगे और अंत में उसकी चिरस्थायी अवस्था। इस पहले पद में हम धन्य पुरुष के व्यवहार का खंडनात्मक पक्ष देखेंगे। हमें यह बताया गया है कि एक आनंदित पुरुष क्या नहीं करता है। यहाँ उसकी तीन दशाएं हैं। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह पुरुष जो यह सब करता है वह आनंद से नहीं रहता। वह तीन तरह का व्यवहार करता है। वह दुष्टों की संगति करता है, वह पापियों के साथ खड़ा होता है और वह ठट्ठा करने वालों का साथ देता है। यहाँ निश्चित औन्नति, पतन और अधोगति है, परंतु धन्य पुरुष अधर्मियों की युक्तियों को नहीं मानता है। यहाँ युक्ति का अर्थ है उनके सुझाव, वह उनकी बात नहीं मानता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि मसीह यीशु स्वयं भी निर्णय लेने में अपने तर्क और बुद्धि का उपयोग नहीं करता था? उसका हर एक काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता था। उसने अपने शिष्यों से कभी नहीं कहा, आओ हम गलील को चलें, मैं तुमसे अधिक रखता हूँ। और मेरे विचार में हमें यही करना चाहिए, यही मेरी समझ में सबसे उचित है। उसने ऐसा कभी नहीं कहा। उसने सदा ही कहा, मैं यरूशलेम को जाता हूँ क्योंकि यही मेरे पिता की इच्छा है। उसने अपने पिता की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना में समय लगाया और अपने पिता की इच्छा को जानकर ही आगे बढ़ा। किसी बात का सुनना एक अलग बात है। अच्छी राय तो भली है, परंतु अधर्म की राय कभी नहीं सुनना। हमें विश्वास के आधार पर चलना है। अधर्मियों की राय मानना विश्वास का जीवन नहीं है। अधर्मी कौन है? अधर्मी वह मनुष्य है जो परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान नहीं देता है। उनके मन में परमेश्वर का भय नहीं है। उनका जीवन ऐसा होता है कि मानो परमेश्वर है ही नहीं। आज हमारे चारों ओर ऐसे असंख्य मनुष्य हैं। हो सकता है कि हम में से भी कई लोग हैं। वे सुबह जागते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। वे भोजन, जीवन और स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं चढ़ाते हैं। वे बस जीते रहते हैं और जीते हैं। वे अधर्मी हैं। उनके जीवन में परमेश्वर का कोई भी स्थान नहीं है। अधर्मियों ने राय दी और अब वह मनुष्य पापियों के मार्ग में खड़ा है। अब पापी उसे आगे ले चलता है। पाप का अर्थ है लक्ष्य से चूक जाना, अर्थात जैसा जीवन जीना है वैसा न जीना। नीति वचन की पुस्तक 14:12 पद में उन्हीं के लिए कहता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और तब नीति वचन 16:2 में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा उसके मन को देखता है। जी हाँ, पापी सोचता है कि वह सर्वथा सही है, परंतु वह वास्तव में पापी है। यशायाह की पुस्तक 55:7 पद में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरें। और यशायाह 53:6 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु पर हम सब का पाप का बोझ लाद दिया। हम सब पापी हैं। परिदृश्य यही है। मेरे मित्रों, पापियों के मार्ग में खड़ा होने के बाद ठट्ठा करने वालों की संगति में बैठना है। ठट्ठा करने वाले नास्तिक जन होते हैं। पापी इस युवक को अपने साथ बैठाते हैं। यह तीसरा चरण है कि वह ठट्ठा करने वालों की संगति में बैठ जाए। नास्तिक ठट्ठा ही नहीं करता, वरन परमेश्वर से घृणा भी करता है। आज यह कदम कदम पर प्रकट है। ठट्ठा करने वाले परमेश्वर के पूर्ण रूपेण विरोधी होते हैं। वे नहीं चाहते कि बाइबल कहीं भी पढ़ी जाए। वे परमेश्वर के वचन को या वचन का इनकार करते हैं।
क्या मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर के इनकार से अधिक घिनौना काम और कोई भी नहीं है। नाली में पड़ा एक शराबी परमेश्वर का इनकार करने वाले से कम घृणित है। यदि आप परमेश्वर और इसके विषय में परमेश्वर का व्यवहार जानना चाहते हैं तो सुनिए नीतिवचन 3:34 में, ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर ठट्ठा करने वालों के विरुद्ध है, वरन उनका ठट्ठा भी करता है। यह एक अत्यधिक भयानक चित्रण है।